वहां पे फ्लैक्स लगाया, उस पे लिखा था मूतनी माता का मंदिर में। और भाई साहब वहां ढोलक बजने लगी और होने लगा जयकारा मूतनी मैया का, बोल सच्चे दरबार की। मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। गाजियाबाद के पास ही एक जगह है सिकंदराबाद, उससे पहले गांव पड़ता है। अब साहब वहां हमारे समाज के लोग रहा करते हैं। अब वहां होली के बाद एक त्योहार होता है, उसका नाम है बसौड़ा। हाँ जी, सुना है आपने? नहीं सुना तो मुझसे सुनो गुरु। उस त्योहार का नाम है बसौड़ा। और बसौड़े पे क्या होता है? बसौड़े पर घर की महिलाएं निकलती हैं, कुछ होते पूड़े, कुछ होती है चने की दाल, कुछ होती है हल्दी। चौराहे पर कहीं जगह रुक करके वो दाल चढ़ाते हैं, हल्दी चढ़ा, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। अब पर्दा प्रथा भी हमारे समाज में है, पर्दा करके चलती है। अच्छा, पर्दे के पीछे बड़े चमत्कार हैं। मैं कई बार परेशान हो जाता हूँ यार, मुंह वो ढके जिसके कर्म खराब हो, मुंह वो ढके जिसने कुछ बुरा कुकृत्य कर रखा हो। हमारी माताओं बहनों को क्यों मुंह ढकवाते, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरे चाचा मुझसे कह रहे थे तू पागल है, ना जाने क्या क्या करता रहता है। अबे मुंह इसलिए ढका जाता है कि मुंह ढकेगी तो किसी से नजरें ना मिलने की, क्योंकि नजर मिल गई तो कुछ गड़बड़ हो सके। तो मैंने कहा चाचा, ओ चाचा, नजर लड़की की खराब होता तो तेरी भी तो खराब हो सके। उसकी नजर सुधारने की वजह अपनी भी तो सुधार पहले। चाचा को समझ में आ गई बात। खैर, अब कहानी कुछ आगे बढ़ी तो पर्दा प्रथा में सासू माँ जा रही है आगे आगे, सर पे रखेगी टोकरी, टोकरी में है पूड़े और है चने की दाल और एक कटोरी में है हल्दी और एक लोटे में है पानी। यहाँ पे सर पे रख करके अम्मा जा रही है और ऐसी टोकरी पीछे बहू के सर पे भी रखी है, बहू ने कर रखा है पल्ला। सासू माँ आगे जा रही है, सासू माँ थोड़ी आगे चली तो चलते चलते अम्मा को यूरिन प्रेशर फील हुआ। उन्हें लगा कि मुझे सुसु कर लेना चाहिए, तो अम्मा ऐसे बैठ गई, वो सुसु करने बैठ गई। अब जब यूं उठी तो एक पोड़ा गिर गया, थोड़ी सी चने की दाल गिर गई और कुछ हल्दी गिर गई और सुसु कर ही रखा था। अब पीछे से जो है बहू आ गई, ओ माने तो यही पूछ दिया दीख है, पूड़ा भी पड़ो चने की दाल भी पड़ी, माने तो यही पूछ दिया दीख है। अब वो बहू भी वहीं पे टोकरी ले गई, पूड़ा भी रखा, चने की दाल भी रखी और पानी भी चढ़ाया। और पीछे और अंधविश्वासी आ रहे थे, उन्होंने भी जो है वहीं कर दिया। एक मेरे जैसा खड़ा था वो पागल, वो कहने लगा अरे यार पागल है ये हैं। वो बूढ़ी अम्मा बेचारी आई थी, उसे पेशाब लग रहा था, उसने केवल पेशाब करा, तुमने ये क्या कर दिया। एक मनुवादी चला खड़ा था, अच्छा, उसने सबसे पहले जाके फ्लैक्स निकलवाया और अगले दिन वहां पे फ्लैक्स लगाया, उस पे लिखा था मूतनी माता का मंदिर और भाई साहब वहां ढोलक बजने लगी और होने लगा जयकारा मूतनी मैया का, बोल सच्चे दरबार की। इसे कहते हैं पाखंड। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।